नाज़रीन इकराम, जो मुकाबला शुरू होना था 8 बजे वो अब 10 बजे शुरू होगा T20 वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के दरमियान। वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है। फास्ट बॉल वेस्ट इंडीज़ और फास्ट बैट इंडिया करेगी। इंडिया पहले बैटिंग करेगी, ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि इंडिया के पास वो बॉलिंग है, वो बॉलर हैं जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों को रोक सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इसी तरह की वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको हम बताएंगे इस पिच के बारे में। इस पिच पर स्कोर लो रहता है। अगर इंडिया इस पिच पर 140 या 50 रन कर जाती है तो फिर वेस्ट इंडीज़ के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि इस पिच पर अभी तक इतने रन नहीं बनाए गए, ना ही चेस हुए हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज़ का मार्जिन इस पिच पर बहुत अच्छा है। वेस्ट इंडीज़ ने 8 में से 6 मैच जीते हुए हैं। और एक बात बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया का रिकॉर्ड बराबर हो जाएगा अगर ये मैच इंडिया जीत जाती है तो। ये मैंने पहले भी अपनी 2 वीडियो में आपको बताया है कि पाकिस्तान 15 मैच जीता है वेस्ट इंडीज़ से T20, और इंडिया 14 मैच जीत चुका है। अगर इंडिया आज का मैच ये जीतती है तो फिर इंडिया के भी 15 मैच हो जाएंगे, जिससे पाकिस्तान और इंडिया का रिकॉर्ड बराबर हो जाएगा। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि क्रिकेट के मुतल्लिक हर नई खबर आप तक बार बार पहुंचती रहे। तो उम्मीद करते हैं कि आप अगर जिस टीम के भी फ़ैन हैं उस टीम का नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें कि आप वेस्ट इंडीज़ के फॉलोअर हैं या इंडिया के। तो इससे पता चलेगा कि इंडिया की फॉलोइंग ज़्यादा है या वेस्ट इंडीज़ की। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें।